महर्षि श्रृंगेशी के नाम पर श्रृंगवेपुर का नाम पड़ा है। अच्छा, महर्षि श्रृंगेशी, अच्छा, यही श्रृंगवेपुर का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है सर, अभी सेल्फ ना मारो ठीक है, नहीं वो मंत्र बोल दो अपना। जय हो श्रृंगवेपुर धाम की। हे प्रभु महाराज, स्टार्ट कर दीजिए। बोल दिया। आज हम लोग एक जगह जा रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल है, बट हमको मालूम नहीं कि वो जगह का नाम क्या है और उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है। वो तो एक फ्रेंड है जो लेके जाएगा और वही बताएगा हम लोग को कि कहाँ पे जाना है, तो उसी का वेट कर रहे हैं, देखिए कब तक आता है। इतना डेर लगा दिए। इस समय सबसे बेस्ट है 4x4, ये थार ब्लैक रंग की, रोड प्रेजेंस इसका बहुत अच्छा लगता है। बाढ़ खत्म ही हो गई है पूरी, अभी काफी पानी नीचे आ गया। इसमें ज्यादा होगा, वही जो ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से। ये जो जगह हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है शृंगवेपुर, और यहीं से लेफ्ट कटेंगे हम लोग। भैया कुल्लड़ में पिलाइएगा चाय, कुल्लड़ में जो है स्वाद चेंज हो जाता है ना चाय का। रख दीजिए। ये जिस जगह पे हम लोग आए हैं आज, इसका नाम है शृंगवेपुर और ये अराउंड 37 किलोमीटर पड़ता है प्रयागराज से। शृंगवेपुर का ये घाट है और ये पूरा पक्का बना के रखा है, अभी तो बाढ़ की वजह से पूरा गंदा दिख रहा है। हम देखें, हाँ हम ये देख, हम देखेंगे यहाँ पे, नहीं देखेंगे तो हम आपको याद। के नाम से यह तपोभूमि है, तीर्थ स्थल है, और भगवान राम जब वनवास के लिए चले तो सीता सचिव सहित दो भाई शृंगवेपुर पहुंचे जाई। भगवान राम रथ में बैठ करके, अच्छा, अपने मंत्री सुमंत के साथ, माता सीता के साथ और अनुज लक्ष्मण के साथ यहां पर आए। उतरे राम देव सर, देखिए भगवान राम रथ से उतर के माता जी का दर्शन किया और उसके बाद यहाँ पर मज्जन किए, स्नान किए, स्नान करके शांता देवी सिंह जी का दर्शन किए। इतना करने के बाद यहाँ गुहराज निषाद का राज्य था। गुहराज निषाद आता हुआ कहता, चलिए हमारे यहाँ आप निवास करें। तो भगवान ने कहा, बरस चार दस बास बन मुनिव्रत वेशहार, हम 14 वर्ष तक मुनियों के वेश में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, गांव में नहीं जाएंगे। इस पर राजा निषाद जो था वो ले जा करके अपने बगीचा में शीशम के पेड़ के नीचे दिखवाया, तो वहाँ जा करके उन्होंने कहा, तर सुशिभा पुनीत जहाँ रघुबर किए विश्राम, शीशम के पीछे भगवान राम जानकी रात्रि विश्राम किए, लक्ष्मण जी वहीं पर कछुक दूर सजबान सरासन जागे लगे बैठ वीरासन, लक्ष्मण जी कुछ दूर पर एक वीरासन पर बैठ करके और उनकी रक्षा किए। वहीं पर राजा निषाद से और लक्ष्मण जी से कुछ वार्ता हुई। निषाद ने पूछा कि जब अयोध्या से चले आए, यहाँ पर जमीन में सो रहे हैं, वलकल वस्त्र में, तब भी आपका धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताया जो उपदेश के लिए है, समस्त लोगों के लिए, संसार के सभी प्राणियों के लिए हितकारक है,
लक्ष्मण जी ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर भी सुख दुख देता है। इस प्रकार का ज्ञान दिया। उसके बाद प्रातः काल वही भगवान राम ने नाव मंगाया, मांगी नाव न केवट आना, वहीं से चरण धोए गए। चरण धोकर के भगवान राम जानकी और लक्ष्मण जी के सहित नौका पर बैठ करके और उसके बाद गंगा पार किए। उतरे ठाड़ भय सुरसर रेता, वहाँ से रेत पर उतरे। भगवान राम कुछ उनको देना चाहे कि इनको दे दे तो मुद्रिका देना चाहे, लेकिन निषाद ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आज नाथ में काहन पाओ, आज मैं सब कुछ पा गया। ऐसा करके वहाँ से विदाई किए। निषाद राज भी उनके साथ आगे चल करके प्रयाग की ओर गए। अच्छा, यही श्रृंगवेरपुर का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है सर। लो, कोई नहीं नहीं गिरेंगे, ऐसे कैसे गिर जाएंगे। ये खुदाई में मिला था ये सब चीजें। जो वो राजा किसका नाम बता रहे थे, निषाद राज, उन्हीं की जो है ये महल था। ये तो पहले डाउन होगा तो ये खुदाई हो रही थी, तो इसमें ये सब पुराना सब मिला है उनका। ये एक समय में किला था ये डॉक्टर, अरे वो महाराजा निषाद का ये पूरा। ध्यान नहीं दिया और गाड़ी का डीजल खत्म। और अब ये देसी, अच्छा बोलो तुम ही, अच्छा ये देसी कागज की कुप्पी बना के हम लोग डीजल भर रहे हैं। डालो भैया, फोन किया है, गाड़ी तो हो गई खराब, अब वो एयर फंस गई उसमें, तो बोला है कि 17 नंबर की रिंच से ये है यहाँ पे, उसको खोल के जो है उसमें एयर फंसी है तो निकालना पड़ेगा। ये जो ये है, इस बोल को खोलेंगे तो इसमें से एयर निकलेगा, ये इंजेक्टर है, और यहाँ से इसका करके सेल्फ मारेंगे तो जब यहाँ से डीजल तो निकलेगा, तीन इंजेक्टर है, तब जो है जाके इसमें से फिर इसको टाइट करना पड़ेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बड़ा वाला मिस्त्री हम लोग बुलाए थे, चलो तब जाके हो पाया है, हम लोग का काम ये है। बड़ा वाला मिस्त्री चश्मा कहाँ गया? नहीं चलो आ गया था, मतलब थोड़ी बहुत काम होती कर ही देता, नहीं समझ में आया। स्टार्ट कर देता तो 200-250 ले लेते यार।
जब मेरे से बोलो ना स्कैनर पे स्कैनर लगेगा तो मैंने कहा भाई तेरे तुम आगे निकालो ना तुम्हारे नहीं अगर चलने तो आगे नहीं उसको आगे चलने दो अरे अगर रास्ता भी नहीं मालूम ना पूरे प्रयागराज में ये लाइट्स लगा दी गई फ्लैग वाली बहुत सुंदर लगता है ये जब रात में जलती है